गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग शुरू हो चुकी है और यहाँ पे मैं सुबह सुबह बना रही हूँ डोसा, और ये मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए क्योंकि वो बहुत जल्दी जाते हैं। तो उनके ब्रेकफास्ट में मैंने डोसा बना दिया था क्योंकि आज आरिका ने बोला था कि मम्मा मैं इडली ले जाऊँगी, तो मैं बैटर लेके आई थी। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड के लिए एक बना दिया चटनी, डोसा चटनी, और साथ में मैंने छाछ बना दिया था लस्सी, और ये इनका ब्रेकफास्ट है। उसके बाद ये ऑफिस चले गए थे और बाद में यहाँ पे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और आज का ब्लॉग जो है बहुत ही ज़्यादा खास है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आगे आपको पता चलेगा क्यों खुश हूँ, कौन आने वाला है अचानक से, कौन आ रहा है, और आपके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ है। साथ में हम जाएँगे अहमदाबाद में गांधी आश्रम घूमने के लिए, और एक अटल ब्रिज नया बना है वो भी जाएँगे घूमने के लिए। तो बहुत सारी प्लानिंग है आज की, तो ब्लॉग में बने रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे बच्चे स्कूल छोड़ देती हूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे वॉक करती हूँ, बहुत देर नहीं क्योंकि टाइम नहीं था मुझे। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा वॉक करने के बाद मैं फिर ऊपर जाऊँगी और फिर मैं इंतज़ार करूँगी, और अब किसका इंतज़ार करूँगी वो तो आपको आगे ही पता चलेगा। तो बस चलते हैं। और यहाँ का दिया था साइक्लोन आने का, तो अभी इस टाइम पे आ गए, देख सकते हैं कितनी तेज़ी उड़ रही है, पूरा बादल देख सकते हैं, बहुत ही मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश भी हो रही है और पूरा मौसम ऐसे ही हो रहा है। पर पेड़ देख सकते हैं, लग रहे गिर जाएंगे। तो गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि कोई आ रहा है, और अभी आप सबके लिए सरप्राइज़ है कौन आ रहा है, तो अचानक से आना हुआ है। तो आप लोग बने रहिए, आप सबको मिलाऊंगी कौन आने वाला है। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और अभी बज रहे हैं 7:30, और अभी ये गए हैं लेने के लिए। मैं नहीं गई क्योंकि अभी बच्चे सो रहे हैं, तो इस वजह से मैं लेने के लिए नहीं गए, ये गए हैं लेने के लिए। तो लेके आते हैं फिर आप सबसे मिलाएंगे। तो मैंने पूरा आज का यहाँ का मौसम थोड़ा वैसा ही है, धुंधला है, बादल हैं, अब सबको दिखाती हूँ। और जो ऐसा है, अभी धूप नहीं निकली है, सूरज भी नहीं निकला है, और बादल बादल हो रहे हैं, और थोड़ी रात में लगता है बारिश भी हुई है। तो ऐसा मौसम है, और लेकिन थोड़ा सा उमस गर्मी वाला जो साइक्लोन है उसकी वजह से ये सारा हो रहा है। तो बस ऐसा ही है। आप सबके यहाँ कैसा मौसम है, बारिश बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं अंदर और आपको दिखाती हूँ। मैंने पूरी जो क्लीनिंग व्लीनिंग है वो सब मैंने कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने देखिए ये पूरा कर दिया है, इधर पूरा ड्राइंग रूम पूरा लाइट भी नहीं जल रही, क्लीन कर दिया है। तो मिल लीजिए आप सब फैमिली, देखिए कौन आया है। तो देखिए आई है आरिका की मौसी, और यहाँ पे आरिका कितनी ज़्यादा हैप्पी है, फिंगर दिखा रही है, स्माइली कर रही है स्माइल। तो यहाँ पे जो है आरिका की मौसी आए, इसलिए हम सब बहुत ज़्यादा ओ वो, अरे वाह वेलकम वेलकम मौसी जी टू आवर हाउस मौसी, अरे वाह थैंक यू for coming to my home। तुमने बनाया सब? हाँ, बना रहा है, देख लो। रात में बैठ के बनाया, 11:30-11:30 तो हम भी लोग सोए थे, 12 बजे तक। दिखाओ, बोलो तुम भी दिखाओ। ये देखिए वाह, तुमने बनाया है? हाँ। अरे वाह, मौसा जी का नाम भी लिखा है इसने। अच्छा अच्छा अच्छा, दीपक यादव उसके बाद यहाँ पे चाय वाय पीने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे मैं बना रही हूँ नूडल्स। यहाँ पूरा रेसिपी शेयर नहीं किया है क्योंकि मैं कई बार कर चुकी हूँ, टाइम भी बहुत कम था, ये पता नहीं क्यों, क्योंकि हमें घूमने भी जाना था। तो बस उसके बाद हम लोगों ने लंच किया, लंच करने के बाद फिर अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो आपको दिखाएंगे बहुत अच्छी सी जगह, तो बने रहिए ब्लॉग में, आपको ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और यहाँ पे हम सभी पूरे परिवार के साथ निकल गए हैं घूमने के।
के लिए। तो अभी हम जस्ट निकले, तो यहाँ पे देखिए हम पहुँच चुके हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास, और ये है विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम घूमने के लिए गांधी आश्रम। अब हम पहुँच चुके हैं गांधी आश्रम, तो यहाँ हम लोग घूमने आए हैं। और यहाँ पे आने के बाद इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है कि आपको अगर आप एक बार आए तो आपको भी पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी अंदर लगे हुए थे पिक्चर्स, जो बहुत टाइम पहले गांधी जी की, हमारे कपड़े करे, हाँ ये सब कपड़े पे कर रखा है, हाँ उस टाइम पे जो बनता था ना उसी का। यहाँ पे सत्याग्रह का के बारे में यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, किस तरीके से क्या क्या हुआ था, ये पिक्चर नीचे दी हुई है। और यहाँ पे ये जो पिक्चर लगी हुई है ये जो है नमक आंदोलन का है, और जहाँ पे ये देखिए सारे लोग इकट्ठे हैं और ये नमक आंदोलन का बना हुआ है पूरा जो चित्र है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में, बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए गांधी जी कैसे नमक को उठा रहे हैं, और यहाँ पे जो है ये पूरा मैप दिया हुआ है जो गांधी आश्रम बना हुआ है वो उसका कितना एरिया है क्या है वो सब दिया हुआ है। ये नई पिक्चर गांधी जी की लगी हुई है जो कि एकदम रियल लग रही थी कि ऐसे सचमुच के बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के। और कुछ चीज़ें नए यहाँ पे ऐड किए गए हैं, और ये नीचे पूरा लिखा हुआ है तो ये मैंने सारा कर लिया था। यहाँ पर देखिए जो साइड में गार्डन है वो भी बहुत प्यारा है, और भीड़ तो आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा है, क्योंकि जो भी यहाँ पे आता है वो गांधी आश्रम देखने ज़रूर जाता है। तो यहाँ पे हम बस अभी अंदर का देख चुके हैं, और अब हम बाहर जा रहे हैं जहाँ पे मेन गेट है ये, और उसके बाद यहाँ पे गांधी जी अंदर जाते हैं जहाँ काटते थे वो वाली प्लेस है, और सूत काटा करते थे यहाँ पे, चरखा चलाया करते थे, ये वही जगह है जहाँ पे गांधी जी बैठते थे। तो यहाँ पे सब लोग फोटो खिंचा रहे हैं, हमने भी यहाँ पे खिंचाया सभी लोग। उसके बाद हम लोग निकल गए यहाँ से, और उसके बाद हम जा रहे हैं अटल ब्रिज देखने के लिए, जो कि इस टाइम पे प्रचलित है, बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं शाम के टाइम में, बहुत अच्छा लगता है। और ये जो है साबरमती जो रिवर है उसके पास में ही बना हुआ है, और वहाँ पे जो विंटर्स आती हैं तो फ्लावर शो भी लगता है। वो इतनी जगह दी हुई है जो कि बहुत ही अच्छा दिया हुआ है जगह, वहाँ पे ही ये जो है साइड में ये अटल ब्रिज बना हुआ है। तो चलिए आप सब इन्जॉय कीजिए ब्लॉग को, ब्लॉग बहुत अच्छा है, पूरा देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगा। बस यहाँ से गांधी आश्रम से लगभग 10 से 15 मिनट का रास्ता है वहाँ जाने का, और भीड़ तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है, बहुत बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, और पूरे एक साइड से देख सकते हैं सभी लोग। हम लोग यहाँ पे उतर चुके हैं गाड़ी से, ये पार्किंग में गए रखने के लिए, और अब हम अंदर आ चुके हैं, और यही है वो जगह जहाँ पे अटल ब्रिज बना हुआ है। यहाँ पे जब भी आप आएंगे तो यहाँ पे टिकट लगता है, और एक लोगों का टिकट कितना है वो मुझे नहीं याद है। और यहाँ पे हम लोग बातें करते हुए हंसते हुए जा रहे हैं, और आपको कैसा ब्लॉग लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। यहाँ पे हम दोनों की फ़ोटोग्राफी चल रही है, रील्स भी शूट किया हमने यहाँ पे, और साथ में हमने वो भी रील्स भी बनाए थे और स्लो मोशन वीडियो बनाए थे, और भीड़ तो कुछ कहने ही नहीं है।
बहुत ही ज़्यादा, पहले इसकी बुकिंग जो है ऑनलाइन होती थी, 2 दिन पहले जाना है तो टिकट लेना पड़ता था, लेकिन अभी हम लोग ब्रिज पे आ गए हैं और ये ब्रिज से बहुत ही सुंदर दृश्य है और लोगों की संख्या तो आप देख ही सकते हैं। है? ब्रिज पे आने के लिए कितनी भीड़ है, बाप रे। ब्रिज देख लो। ब्रिज नया बना है ना, इसलिए क्यूरियोसिटी बहुत रहती है ना लोगों में। बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ संडे है ना, खाने पीने की व्यवस्था भी है यहाँ पे, आप के खा सकते हैं। कहाँ गए दोनों? उसमें वीडियो बना लेंगे। जो नीचे जो स्पीड बोट, कोई नहीं गिरेगा, सब लाइफ जैकेट पहने हुए हैं। आप देखिए कितना तेज चल रहा है, अंधेरा अब इतना अच्छा नहीं आ रहा है। ब्लैक ब्लैक, अरे अब ये ब्रिज अच्छा आ रहा है ना। हाँ लाइटिंग मेरे को लाइटिंग अब पूरा घूम लिया है और अब हम घर जा रहे हैं। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा, कितना प्यारा है देख सकते हैं। ये अच्छा लग रहा है ना, अब लाइटिंग। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ, मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली में, और आगे ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी आप सभी से। बाय बाय।